हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायस रॉय के बारे में। उनका कार्यकाल देखते हैं और उन्होंने जो कार्यकाल में जो कार्य हुए उनके बारे में बात करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था, जिस पर सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कोई भी भारतीय इस पद पर नहीं बैठा था। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्ष के साथ इस कार्यालय को 1773 में सृजित किया गया था। 1858 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा की जाती थी। 1857 के विद्रोह के बाद इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने लगी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान की आज़ादी मिली तब तो वायसराय की पदवी को हटा दिया गया, लेकिन दोनों ने नई रियासतों में गवर्नर जनरल के कार्यालय को तब तक जारी रखा जब तक उन्होंने क्रमशः 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान को अपनाया। चलिए हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। इनका कार्यकाल रहा 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 तक। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। तो याद रखिए, लॉर्ड क्लाइव प्रथम गवर्नर जनरल था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामलों कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। क्लाइव के बाद द्वैध शासन के दौरान बेरिलिस्ट 1767 से 1769 और कार्टियर 1769 से 1772 बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। 1757 पिलासी का युद्ध हुआ, इस समय भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था ये पिलासी का युद्ध। बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल रहा 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1885। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं के और कार्यों के बारे में बात करें तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रथा को समाप्त कर दिया और प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। तो याद रखिए, वारेन हेस्टिंग के समय ही आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम और द्वितीय लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, जो सलवाई की संधि 1782 से समाप्त हुआ था। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था 1780 से 1784, जो मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ था। हेस्टिंग के समय में 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई।
हेस्टिंग के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। हेस्टिंग्स ने ही 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। हेस्टिंग के समय में ही 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही फीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। फिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, तो वर्क द्वारा ऊपर उनके ऊपर वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट यह महाभियोग 1788 ईस्वी में 1795 तक चला, परंतु अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल और उसके कार्य। अब बात करते हैं हम लोग सर जॉन मैकफर्सन, इनका कार्यकाल रहा 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1786 तक। इन्हें अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, इनका राय 1776 से 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके कार्यकाल की मुख्य बातों की बात करें, कार्यों की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने को भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो याद रखिए, सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदार को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस ने जिलों में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। अब बात करते हैं हम लोग सर जॉन शॉर, इनके कार्यकाल की बात करें तो 28 अक्टूबर 1793 से 18 मार्च 1798 तक। इनके कार्यकाल में हुई मुख्य घटना और कार्यों की बात करें तो हस्तक्षेप नीति एवं खारदा का युद्ध सर जॉन सौर के काल में महत्वपूर्ण घटना थी। खारदा का युद्ध 1795 में मराठा और निजाम के बीच लड़ा गया था। अब बात करते हैं हम लोग सर अलर्ड क्लार्क का समय रहा है कार्यकाल 18 मार्च 1798 से 18 मई 1798 तक। इन्हें अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं लॉर्ड बेलेजली, इनका कार्यकाल की बात करें तो 18 मई 1758 से 30 जुलाई 1805। लॉर्ड बेलेजली जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं कार्यों की बात करें तो लॉर्ड बेलेजली को सहायक संधि की पद्धति लागू की इसने, बेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। बेलेजली के समय हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर से सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बेलेजली ने 1800 में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी।
वेलिजली के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। वेलेजली के बाद आते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। इनका कार्यकाल है कर्नवालिस का 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक। इनके मुख्य कार्यों की बात करें तो 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद आते हैं सर जॉर्ज वार्लो। सर जॉर्ज वार्लो, इनका कार्यकाल है 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807 तक। इनके कार्यकाल की घटनाओं की बात करें तो 1805 में राजपुर घाट की संधि, 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। राजपुर घाट की संधि 1805 में धेलकार एवं सर जॉन वालों के मध्य हुई थी। इनके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। इनका कार्यकाल है 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813। इनके लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल में अमृतसर की संधि एवं चार्टर एक्ट इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई, जिसकी मध्यस्थता में मैट कॉक ने की थी। 1813 का चार्टर एक्ट मेंटो के काल में ही पास हुआ था। अब इनके बाद आते हैं मार्किस हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल रहा है 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं और कार्यों के बारे में बात करें तो हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1814 से 1816 आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। संगोली की संधि के दौरान काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया, और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हुए। हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818 से 1818 में, और 1818 में हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। 1817 से 1818 में इसने पिंडारियों का दमन किया, जिसके नेता चीतू और वासिल मोहम्मद तथा करीम खान थे। हेस्टिंग्स ने 1799 में पेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इसी के समय 1822 में ट्रेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद आते हैं जॉन एडम्स। तो इनका कार्यकाल है 9 जनवरी 1823 से 1 अगस्त 1823। इन्हें अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। बात करते हैं हम लॉर्ड एम हर्षर्ट, LWM हर्स्ट। इनका कार्यकाल रहा है 1 अगस्त 1823 से 13 मार्च 1828 तक। इनके कार्यकाल की मुख्य बातों की बात करें तो लॉर्ड एम हसर्ट के काल में 1824 से 1826 को प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने वर्मा सेना को परास्त कर 1826 में यांडवू की संधि की। 1824 में वैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एम हसर्ट के समय में ही हुआ था। इनके बाद आते हैं विलियम वाटरवर्थ बेली।
तो विलियम वाटरवर्थ बेली का कार्यकाल रहा है 13 मार्च 1828 से 4 जुलाई 1828। इन्हें अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इनके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल रहा है 4 जुलाई 1828 से 1833 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 ईस्वी मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर एवं 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है, जिसे विलियम कैम्बेडिस बेटिंग के नाम से भी जाना जाता था। इसके कार्यकाल की बात करें, कार्यों की, तो मुख्य कार्य रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन में कोई युद्ध नहीं हुआ, याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ था, एवं इसका शासन काल शांति का काल कहा जाता है। बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद उसने शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगाया। बेंटिक के कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का भी अंत कर दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग भारत के गवर्नर जनरलों की। तुम्हारे हैं पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 से 20 मार्च 1835 तक। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के, याद रखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इनके कार्यकाल की बात, घटनाओं की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात हैं। बेंटिक ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। इसने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। बेंटिक के कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत के शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो याद रखिए, यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब बात करते हैं हम लोग सर चार्ल्स मैडकॉक। इनका कार्यकाल रहा है 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836। इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यों की, तो चार्ल्स मैडकॉक ने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इस कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। फिर भारत के गवर्नर जनरल में अगले हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इनका कार्यकाल रहा है 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक। इनका कार्यकाल 42 तक रहा, ठीक है। इनके कार्यकाल की बात करें मुख्य, तो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 में हुआ। 1839 में ऑकलैंड ने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड टेक रोड की मरम्मत कराई थी। ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली। ऑकलैंड के कार्यकाल में बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। तो याद रखिए, इनका कार्यकाल रहा है 1836 से 42 तक। अब बात करते हैं लॉर्ड एलन बरो। इनका कार्यकाल रहा है 28 फरवरी 1842 से जून 1844। इनके कार्यकाल की घटनाओं की बात करें, एलन बरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। 1843 में एलन बरो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा। नेपियर ने अगस्त 1833 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1843 के एक्ट में पांच के द्वारा जॉर्ज
के द्वारा दास प्रथा का अनुमूलन भी एलन बरो के समय में हुआ था। लॉर्ड एलन बरो के बाद आते हैं हमारे लॉर्ड हार्डिंग। इनका का लॉर्ड हार्डिंग का काल है कार्यकाल है 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848 तक। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं की बात करें, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में हुआ, जो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। लॉर्ड हार्डिंग ने नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अब आते हैं अपने लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा है, इनका कार्यकाल रहा है 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर उपयोगितावादी एवं साम्राज्यवादी था, लेकिन डलहौजी को उसके सुधारों के लिए भी जाना जाता है। इसके कार्यकाल एवं कार्यकाल की घटनाओं की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ये 1848 से 1849 में। 1849 में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनून महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में 1851 से 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और 1852 में बर्मा के लोअर बर्मा एवं पिग्गू राज को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। याद रखिए, हाँ, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ था। इसके कार्यकाल में भारत में दार्जिलिंग को सम्मिलित कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बोर्ड का निर्देश पत्र आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसने 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना था। इसने 1854 में नया डाकघर अधिनियम पारित किया। इसके द्वारा भारत में पहली बार डाक टिकटों का विचलन प्रारंभ हुआ। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। 1856 में तोपखानों के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित कर किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया। डलहौजी के समय में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी ने नरवली प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। इसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड कैनिन। तो इसका कार्यकाल रहा है 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं रही हैं। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। बात करते हैं हम लोग भारत के वायसराय के भी बारे में। तो लॉर्ड कैनिन 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग के समय की घटनाओं की बात करें तो मुख्य घटनाएं रही हैं, कैनिन के कार्यकाल में आईपीसी, सीपीसी तथा सीआरपीसी जैसे दंड विधियों को पारित किया गया। कैनिन के समय में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो याद रखिए, यहाँ
कैनिन के समय में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1897 में कलकत्ता, मद्रास व बम्बई की विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1861 भारत परिषद अधिनियम कैनिन के समय में ही पारित हुआ। कैनिन के कार्यकाल में ही भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह भी हुआ था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम कैनिन के समय में ही पारित हुआ। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन, वायसराय लॉर्ड एल्गिन, तो इसका कार्यकाल रहा है 1862 से 1863। इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बहावी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन। लॉर्ड एल्गिन की 1863 में धर्मशाला में मृत्यु हो गई हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आते हैं सर रॉबर्ट नेपियर, इसका कार्यकाल रहा है 1863 से 21 नवंबर से 2 दिसंबर 1863 तक। सर रॉबर्ट नेपियर को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर इसके बाद आए सर विलियम डेनिसन, तो इनका कार्यकाल रहा है 2 दिसंबर 1863 से 12 जनवरी 1864। सर विलियम डेनिसन को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर आते हैं हमारे सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल रहा है 12 जनवरी 1864 से 12 जनवरी 1869 तक। इनके कार्यकाल, लॉरेंस के कार्यकाल की घटनाओं की बात करें तो जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप ना करने की नीति का पालन किया। इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ संचार व्यवस्था कायम की गई। जॉन लॉरेंस के ही कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके कार्यकाल में ही पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। सर जॉन लॉरेंस के बाद आते हैं लॉर्ड मेयो, इनका कार्यकाल रहा है 12 जनवरी 1869 से 8 फरवरी 1872। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं की बात करें तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। मेयो के काल में 1872 में अजमेर, राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई मेयो के काल में ही। लॉर्ड मेयो की एक अफगान ने 1872 में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो के बाद आते हैं सर जॉन स्टेची का कार्यकाल रहा है 9 फरवरी 1872 से 23 फरवरी 1872 तक। सर जॉन स्टेची को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके बाद आते हैं स्टेची के बाद द लॉर्ड नेपियर, तो इनका कार्यकाल रहा है 24 फरवरी 1872 से 3 मई 1872 तक। द लॉर्ड नेपियर को भारत के कार्यवाहक वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। अब आए हैं हमारे लॉर्ड नॉर्थवुड, इनका कार्यकाल रहा है 3 मई 1872 से 12 अप्रैल 1876 तक। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं की बात करें तो भारत में उनकी नीति करों में कमी, अनावश्यक कानून को ना बनाने तथा कृषि योग्य भूमि पर भार कम करने की थी। लॉर्ड नॉर्थवुक के समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। नॉर्थवुक ने 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया। नॉर्थवुक के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा 1875 में संपन्न हुई। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। अब आते हैं हमारे लॉर्ड लिट्टन, तो वायसराय आता है लॉर्ड लिट्टन 12 अप्रैल 1876 से 8 जून 1880। इसका पूरा नाम था रॉबर्ट बुलवेर वेर लिट्टन एडवर्ड। इसका एक उपनाम था ओवेन मैरी डिथ। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था।
साहित्य में से ओवेन मेरीडीथ नाम से जाना जाता है। इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं की बात करें तो इसके समय में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। इसने रिसर्च स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। एक राज अधिनियम पारित करके 1875 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि विभूषित किया गया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। इसके कार्यकाल में 1878 में वर्नाक्यूलर पेश एक्ट पारित किया गया। इसके कारण कई स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र आदि को विद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन का आरोप लगाकर बंद कर दिया गया। इसके समय में शस्त्र एक्ट आर्म्स एक्ट 1878 पारित हुआ, जिसमें भारतीयों को शस्त्र रखने और बेचने से रोका गया। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा है 8 जून 1880 से 13 दिसंबर 1884। इसके कार्यकाल की बात करें तो रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर पेश एक्ट को रद्द कर दिया, जिस कारण से इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। तो याद रखिए, रिपन के काल में 19 से फिर से 21 वर्ष कर दी गई। रिपन के काल में भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तो याद रखिए, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रथम जनगणना हुई, लेकिन नियमित और व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुई थी। ठीक है, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा लाया गया। रिपन के समय में 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ। 1882 में स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1883 में एल्बर्ट विल विवाद रिपन के समय में ही पारित हुआ, जिसमें भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिंग। इनका काल लॉर्ड डफरिंग का काल कर रहा है 13 दिसंबर 1884 से 10 दिसंबर 1888। इनके मुख्य घटनाएं और कार्य देखें इनके कार्यकाल के, तो डफरिंग के काल में 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, किराया अधिनियम अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। डफरिंग के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को भारत में मिला लिया गया। लॉर्ड डफरिंग के समय में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड लैंस डाउन। कौन आते हैं? लॉर्ड लैंस डाउन। तो इसका कार्यकाल रहा है 10 दिसंबर 1888 से 11 अक्टूबर 1894। तो इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं की बात करें तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, जिसे डूरन रेखा के नाम से जाना जाता है, का निर्धारण 1893 में लैंस डाउन के समय में हुआ। इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मोर्टिमर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच हुआ था। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1891 में ईज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति के यौन कृत्यों के लिए सहमति की उम्र बढ़ा दी गई, जिसमें लड़कियों की यौन सहमति की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। इससे कम उम्र में यौन संबंध बनाने पर इसे बलात्कार माना गया, चाहे वे विवाहित ही क्यों ना हो।
फिर आते हैं हमारे लॉर्ड एल्गिन, इनका कार्यकाल रहा है लॉर्ड एल्गिन का 11 अक्टूबर 1894 से 6 जनवरी 1899। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं रही हैं, लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई और पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर हरी चापेकर, वाल कृष्ण हरी चापेकर, वसुदेव हरी चापेकर ने ब्रिटिश फ्लैग कमिश्नर डब्ल्यू सी रैंड को गोली मारकर भारत की प्रथम राजनीतिक हत्या की। लॉर्ड एल्गिन के समय में ही भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा, जिसमें करीब 45 लाख लोगों की मौत हुई। एल्गिन ने हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में चित्ताल राज्य के विद्रोह को दबाया। लॉर्ड एल्गिन के बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा है 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905। तो इनके लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की मुख्य घटनाएं रही हैं, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस की स्थापना व केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। कर्जन के समय में उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों की स्थापना की गई। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 में सर टॉमस फ्रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। कर्जन के कालकाल में के समय में ही 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनकीप की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया। कर्जन के समय में भारत में भयानक अकाल भी पड़ा, जिसमें करीब 60 से 90 लाख लोगों की मरने की अनुमान लगाया गया। 1899 से 1990 में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल विभाजन, जिसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात हो गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये याद रखिए, 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। अब आते हैं कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका कार्यकाल रहा है 18 नवंबर 1905 से 23 नवंबर 1910 तक। मुख्य घटनाओं की बात करें तो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके कार्यकाल में 1906 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकीकरण हुआ। लॉर्ड मिंटो के समय में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व में मामूली बढ़ोतरी हुई और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया। इसके कार्यकाल में खुशीराम बोस को फांसी दे दी गई, जिसमें प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ मिलकर कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था। मिंटो के ही कार्यकाल में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, क्योंकि तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुशीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था और इन्हें बर्मा की जेल में भेज दिया गया। लॉर्ड मिंटो के समय में अंग्रेजों ने बांटो और करो की नीति का औपचारिक रूप से सब अपना लिए थी। अब आते हैं हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल रहा है 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916। इनके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं की बात करें, लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में जॉर्ज पंचम के समय आगमन में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और इस समय याद रखिए, इसके साथ ही लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा नाम से दो नए राज्य निर्माण हुए।
हार्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। हार्डिंग के समय में ही सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके लिए वह भारत का समर्थन पाने में सफल रहा। हार्डिंग के समय में ही 1913 में फिरोज मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। हार्डिंग के कार्यकाल में तिलक ने अप्रैल 1915 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की और लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी नियुक्त किया गया। फिर आते हमारे हार्डिंग के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल रहा है 4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की घटनाओं की बात करें तो इसके कार्यकाल में तिलक और एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत की। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, लखनऊ पैक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। इसके समय में भारत में शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत की गई, जिसके बाद गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का भी समर्थन भी मिला। 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करके रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेटों की को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता था। चेम्सफोर्ड के समय में ही 1919 में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके समय में भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लगाया गया। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 1917 में शिक्षा पर सेडलर आयोग की नियुक्ति चेम्सफोर्ड के समय में की गई। अब बात करते हैं हम लोग लॉर्ड रीडिंग, इसका लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल रहा है 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल, तो इसका कार्यकाल है 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक। इसके कार्यकाल की घटनाओं की बात करें तो लॉर्ड रीडिंग के समय में गांधी जी का भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश हो चुका था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया। रीडिंग के समय में ही केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, जो खिलाफत आंदोलन का ही एक रूप था, जिसके नेता वरियन कुन्नाथ कुंज अहमद हाजी सीथी कोया थंगल और अली मुस्लियर थे। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1921 में पेंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही एम एन रॉय द्वारा 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का गठन किया गया। 1922 में चितरंजन दास, नरसिंह चिंतावन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। लॉर्ड रेडिंग के कालकाल में दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बात करते हैं हम लोग लॉर्ड इरविन के बाल, इनका कार्यकाल रहा है 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक। इनके लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में जो घटनाएं उनकी बारे में बात करें तो इरविन के कार्यकाल में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इरविन के कार्यकाल में 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। वो इसके एक सदस्य क्लीमेंट इटली थे, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, जिनके कार्यकाल में 1947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली।
लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिससे भारत को अधिशासी राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। अपने कुछ अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। इरविन के समय में लंदन में ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच प्रथम गोलमेल सम्मेलन हुआ। मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें के बाद गांधी ने सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। इरविन के कार्यकाल में 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में दिल्ली असेंबली हॉल में भगत सिंह और उसके साथियों ने बम फेंका। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1929 में लाहौर षड्यंत्र एवं स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गई। इरविन ने खनन और भूविज्ञान के विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की। अब बात करते हैं लॉर्ड बिलिंगडन। लॉर्ड बिलिंगडन की बात करें तो इनका कार्यकाल है 18 अप्रैल 1930 से 18 अप्रैल 1936। मुख्य घटनाओं की बात करें तो लॉर्ड बिलिंगडन के कार्यकाल में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का लंदन में हुआ। बिलिंगडन के समय में 1932 में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना की गई। 1934 में गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और एवं 1935 में ही वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लॉर्ड बिलिंगडन के समय में ही भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई। महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता भी हुआ था इसी समय। फिर आ गए हमारे लॉर्ड लिन लेथगो। तो इनका कार्यकाल रहा है 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1843। इनके कार्यकाल की लॉर्ड लिन लेथगो के कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अलग पार्टी का गठन किया। लॉर्ड लिन लेथगो के समय में ही पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। 1942 में किप्स मिशन भारत आया। 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। लॉर्ड लिन लेथगो के कार्यकाल में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर हमारे हैं लॉर्ड वेबेल। लॉर्ड वेबेल तो इसका इनका कार्यकाल रहा है 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947। मुख्य घटनाओं की बात करें तो 1945 में लॉर्ड वेबेल ने शिमला में एक समझौते का आयोजन किया, जिसे शिमला समझौता या वेबेल प्लान नाम दिया गया। वेबेल के समय में ही 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की है लॉर्ड वेबेल के समय में ही। फिर आ गए हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का काल रहा है 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यों की बात करें तो इनके कार्यकाल में 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की गई। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्यों में बांट दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। फिर अंतिम हमारे ये हैं स्वतंत्र भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इनका कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से 1948 तक।
भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारे भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर।